तो जैसे कि मैंने बोला था कि जब मैं इस ऐड के बाद बताऊंगा कि मैंने बर्थडे के अगले दिन क्या खाया था, तो गुड मॉर्निंग एवरी वन। गुड मॉर्निंग इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सुबह है। आजकल मेरे ब्लॉग्स सुबह ही शूट हो गए क्योंकि मेरा जॉब्स अभी मैंने सुबह स्टार्ट कर दिया है, जबकि पहले नून में था। आई नो ये बहुत लेट ब्लॉग आ रहा है। जैसे मेरी फैमिली, मेरी ऑडियंस, इन लोगों को पता ही था कि ब्लॉग थोड़ा लेट रहेगा क्योंकि इस बार मैंने शूट नहीं किया। आप लोग सोचोगे यार फोकस नहीं है ये बंदा शायद तक इसकी वजह से, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सही तरीके से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है, उसकी रिपोर्ट भी मैं इसमें सेंड करूँगा आप लोगों को बताऊँगा, और थोड़ा बहुत आपको तिलक भी दिखता होगा। तो कल मैं पापा की आरती में गया था काफ़ी टाइम के बाद, बिकॉज क्योंकि सुबह में और शाम में मैं दो टाइम मेरे जॉब पर रहता हूँ, दोपहर में थोड़ा बहुत फ्री रहता हूँ 2-3 घंटे के लिए, लेकिन वापस 2-3 घंटे का वर्कआउट है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो चलो आज सुबह की शुरुआत करते हैं। सुबह का ब्लॉग है तो आज काफ़ी जल्दी उठा हूँ, सुबह के 5:30 बज गए। तो 5:30 बजे हुए तो मैं आपको दिखा दूँ क्या मैंने कौन कौन से मील रेडी किए हुए अभी। ये अपना हॉट फेवरेट जो ओट्स मिल कहते हैं इसे, तो ये मैंने रात को आधा रेडी किया था, भिगो के रखे हुए थे, और जो बाकी था सुबह में उसको ग्राइंड करके रखा, और ये अभी अंडे उबल रहे हैं। तो इसका टाइम हो गया है 15-20 मिनट हो गए, तो इसको ऑफ करते हैं पहले। और इस व्लॉग में कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ें बताऊंगा कि ये 2 वीक में मैंने क्या किया है। इसमें आप लोगों का भाई का भी बर्थडे आया था, तो उसमें भी क्या क्या चीज़ें हुई वो भी मैं आपको इस व्लॉग में ज़रूर बताऊँगा। तो भैया मील हो गया रेडी, सारा काम काज हो गया है, अब जिम के लिए प्रस्थान करते हैं, तो मिलते हैं दोपहर में। 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. आधा शिफ्ट खत्म हो चुका है, अभी घर की तरफ जाते हैं। और मैं बताता हूँ कि डाइट में आज क्या खाएंगे, क्योंकि अभी जो हमारा डाइट हुआ है वो चेंज हुआ है, हमारा वर्कआउट भी चेंज हुआ है, तो अभी देखते हैं घर जाके। सबसे कठिन काम घर आके अपनी डाइट खुद बनाओ। चलो भैया वर्कआउट करने, वैसे भी 2 बजे वर्कआउट करने पहुंचना था, लेकिन बज गए अभी फिलहाल घर पे ही 2 बज गए, जाते जाते आधा घंटा हो जाएगा। चलो डायरेक्ट मिलते हैं जिम पे। एक्टिवा चलाते चलाते फटके हाथ में आ गई, ओ भाई राहुल गांधी जी की वजह से जी लगाना पड़ रहा है, वीडियो चल रहा है तो उनकी वजह से पूरा इतना ट्रैफिक जाम है ना पूरे अहमदाबाद की सड़कों पर, जो 20 मिनट या 25 मिनट मैक्सिमम जो रास्ता था वो टोटल 45 मिनट या 40 मिनट तक का रास्ता हो गया। तो इसके चलते मैं 2:10 के आसपास निकला था, अभी मैं पहुंच 55 मिनट में, और आके वीडियो यहीं पे शूट कर रहा हूँ। सॉरी। एनीवेज चलो देख लेते हैं वेट कितना है। लास्ट टाइम तो वेट था 70 अराउंड ना, उसके बाद कितना बढ़ा और वो पूरा रिपोर्ट वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। यार रिसेप्शन पे मेरे कलीग बैठ थे सफान, तो बात चल रही थी यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो वो बता रहे थे कि क्या बात करें यार इतने दूर से आते हो यार तुम इतने दोपहर में। तो यार डेडिकेशन होता है ना तो दोपहर या रात नहीं देखा जाता। अगर बॉडी बनाना है मेरा भाई तो जिम तो आना पड़ेगा ना मेरी जान, ये सुना दिया मैंने उसको।
देखो बर्थडे के दिन इतना कुछ खास प्रोग्राम रहा नहीं। बेसिकली बर्थडे के दिन कई बार हम लोग सोचते कि अच्छा छुट्टी लेके फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, ऐसा कुछ सीन होता है। लेकिन मेरे केस में थोड़ा उल्टा था भाई। मैंने सोचा कि बर्थडे के दिन कुछ नहीं करना, जॉब पे जाना है, अपना वर्कआउट कंप्लीट करना है, अपने डाइट पे कंसिस्टेंसी लानी है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को मालूम ही होगा कि बर्थडे के दिन क्या हुआ था। जिम में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, थोड़ी बहुत केक खाई और थोड़ी बहुत लगाई कईयों ने मेरे चेहरे पे, तो कुछ इस तरीके का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। लेकिन कोई भी ऐसा मतलब चीट मिल नहीं था, तो कोई भी ऐसा चीट मिल नहीं आया कि जिससे फिजिक को लेकर ज़्यादा हानि हो जाए, तो काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन उसके अगले दिन कुछ और ही खाने को मिला। इस वर्कआउट के सेट के बाद मैं बताता हूँ। ओके सब यहाँ वहाँ चलो हो गया। बहुत टाइम के बाद लगने वाला है, हंड्रेड किसी लगेगा। लोहा उठाओ लोहा तो बॉडी बनेगी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जब मैं इस सेट के बाद बताऊंगा कि मैंने बर्थडे के अगले दिन क्या खाया था, तो वो भी मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरीज में डाला था। जैसे कि मेरा फेवरेट रसगुल्ला, तो वो मैंने 3 रसगुल्ला खाए थे। तो भैया कल की बात है, तो कल था मेरा बर्थडे, तो कल के दिन में मैंने कुछ ऐसा वैसा कुछ खाया नहीं था जिसे हम लोग कहते हैं चीट मील। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या खा रहा हूँ। मालूम नहीं इसे क्या कहते हैं, रसगुल्ले। उसके बाद फिर मैंने कोई चीट नहीं किया, कहीं राइस की जगह पे रिप्लेसमेंट डोसा वगैरह ट्राई किया है ये वीक में, लास्ट वीक में। लेकिन तगड़ी डाइट चल रही है, काफ़ी मजबूत वाली। लेकिन इस बार नया अपडेट ये आया हुआ है कि इस बार का जो वर्कआउट है वो भी नया है, और इस बार का जो डाइट भी है वो भी नया है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मेरा जो डाइट क्या है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, पूछिए मुझे कि आपकी डाइट कैसी है, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। मसल मास गेनिंग के लिए जो ओट शेक रहता है, हाई कैलोरीज इंटेक वाला, तो कैसे बनाना है वो भी मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपका अभिप्राय आना ज़रूरी है, आपका रिस्पॉन्स आना ज़रूरी है, तब मैं आगे जाके कुछ अपडेट कर सकता हूँ। Thank you.
बताया था कि मैं लास्ट में मेरा रिपोर्ट शेयर करूँगा कि रिपोर्ट में क्या रिजल्ट आए इतनी कड़ी मेहनत के बाद। ये एक्चुअली अभी आप जितने एपिसोड देख रहे हो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये अभी 1.5 महीना कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी रिजल्ट क्या है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे मेरे रिपोर्ट डाल देता हूँ, आप देखिए। अभी आप जो रिपोर्ट देख रहे हो इसके अंदर, इसके पहले जो रिपोर्ट था ना उसके अंदर था 32.3 kg मसल मास, जो अभी 35.3 kg हो गया। मतलब इसमें 2 kg का प्लस हुआ, मतलब 2 kg मसल मास गेन हुआ। और जो फैट था वो कितना था इसके पहले, वो अराउंड था 16.9, मतलब अप्रोक्स 17%। राइट नाउ 15.5% बॉडी फैट हो चुका है। जो एक्चुअली जो मेन क्राइटेरिया था आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज का वो था 10 से 15, उसके बीच में हम लोग आ रहे और अभी भी ये गेनिंग फेज चल रहा है मेरे दोस्त। तो आप आगे की वीडियो और भी ज्यादा इंजॉय कर सकते हो क्योंकि आगे भी बहुत से आएंगे और कटिंग फेज भी आने वाला है। पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ है, अभी एक और एक इसके बाद जो मंथ आएगा वो भी बल्किंग रहेगा, उसके बाद हम कटिंग पे स्टार्ट करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। तो ये हो गया रिपोर्ट। तो अभी इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे रैप अप करता हूँ, लेकिन हाँ उसके पहले इस भाई साहब की बात सुनना बहुत जरूरी है, सुनिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो। ये हर वीडियो में मैं बोलता हूँ तो इस बार मैंने नया ट्राई किया। ये भोली सी शक्ल वाले इंसान जो आपको बोल रहे तो प्लीज उनकी बात तो मान लीजिए, और जो सब्सक्राइब का बटन आता है रेड कलर का उसको ग्रे जरूर कीजिए। और हाँ, आप लोगों के पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देखो, उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को भी दबाना है। आप सभी को ये भी मालूम ही है तो प्लीज मालूम ही तो करिए ना यार, सिर्फ वीडियो देख रहे हो, आधे लोग सिर्फ वीडियो देख रहे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइबर तो बनता है ना यार, मेहनत कर रहा है भाई आपका, तो थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे रैप अप करता हूँ।